हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट गैजेट्स टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ इन्फिनिटी ग्लाइड 120 वायरलेस इन ईयर हेडफोन। ये जो इन्फिनिटी ब्रांड है, JBL का ही एक सब ब्रांड है। इन्फिनिटी ब्रांड के नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं थोड़े से कम प्राइस में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन हेडफोन्स को मैंने खरीदा था 15 डेज पहले, तब से मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। डेली एक से डेढ़ घंटा मैं इसे तकरीबन यूज़ कर रहा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा इसका रिव्यू दूंगा और इसके अंदर क्या प्रोस है और क्या कौन से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर ज़रूर से लाइक भी कर देना। बॉक्स देख रहे हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिलते हैं हमें ये हेडफोन्स। पूरी तरीके से वायरलेस हेडफोन्स है ये। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर अप टू 7 आवर्स का ऑडियो प्ले बैक मिल जाता है हमें और IPX5 स्प्लैश प्रूफ भी दिया गया, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत बारिश या फिर थोड़ा बहुत पानी भी गिरता है तो ये खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। 3-switch रिमोट विथ माइक्रोफोन भी दिया गया है। कंफर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इन हेडफोन्स के अंदर। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसको कर लेता हूँ मैं अनबॉक्स। दोस्तों, इन हेडफोन्स को मैंने ख़रीदा था अमेजोन से 850 रुपीज़ में। जब भी अमेजोन पर सेल वगैरह चलता है, ये जो हेडफोन्स है तकरीबन हमें 850 से 900 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं। तो इन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जब सेल वगैरह नहीं चलता है तो इसका प्राइस जो है तकरीबन 1100 के आसपास में ही हमें देखने को मिल जाता है अमेजोन पर। तो ये रहे हमारे हेडफोन्स, इन्हें निकाल लेते हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिलते हैं हमें और ये है माइक्रो USB केबल इन हेडफोन्स को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो पीछे वाला पार्ट है ये पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है और ये देख रहे हो गाइस, ये प्लेन भी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत लाइंस भी बनाई गई है और यहाँ पे जो सामने वाला पार्ट है पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे हमें एक होल भी देखने को मिलता है ताकि अच्छे से बेस मिल सके। इसके जो ईयर टिप्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हो एक्स्ट्रा बाहर की ओर निकला हुआ है, ये इसीलिए दिया गया है कि ताकि हमारे ईयर्स के अंदर ये अच्छे से बैठ सके, नीचे ना गिरे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और इसका ये जो वायर है पूरी तरीके से रबर फिनिश के साथ आता है। काफ़ी अच्छा वायर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो जहाँ तक बात करूँगा इसके कंट्रोलर की, तो यहाँ पे हमें एक 120mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये जो बैटरी है डेढ़ घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज होने के बाद हमें 7 आवर्स तक का प्लेबैक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस माइनस का बटन दिया हुआ है वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए और इसे आप मल्टी फंक्शन बटन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सॉन्ग्स को फॉरवर्ड करना है, रिवर्स करना है या फिर प्ले पॉज करना है, इन बटन्स को आप यूज़ कर सकते हो। बीच का जो बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए काम में आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक है पर इन्हें आप जैसे ही अटैच करते हो ये ऑन ऑफ नहीं होते हैं, आपको फिजिकल बटन यूज करना होता है इन्हें ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो हेडफोन्स है इनके अंदर एक डुअल इक्वलाइजर मोड भी आता है, तो डुअल इक्वलाइजर मोड को ऑन करने के लिए हमें ये दो बटन प्रेस करके रखना होता है, तब जाकर इसके अंदर डुअल इक्वलाइजर मोड ऑन होता है। जैसे ही डुअल इक्वलाइजर मोड ऑन होता है इसके अंदर बेस जो है काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। एक नॉर्मल मोड के अंदर जो है नॉर्मल सा बेस आता है, जैसे ही आप इसको डुअल इक्वलाइजर मोड में डालते हो बेस जो है काफी ज्यादा धमाकेदार हो जाता है इन हेडफोन्स के अंदर। तो कंट्रोलर के पास यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो माइक्रो USB केबल लगाकर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव देखने को मिलती है। तो गड़बड़ चालू कहाँ से होती है मैं भी आपको बताता हूँ गाइस। ये देख रहे हो ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पर यहाँ पे एक चीज़ जो है गाइस, जैसे ही आप इसे आपके नेक में डालते हो तो ये फिसलना चालू हो जाता है। ये एक चीज़ इन हेडफोन्स के अंदर मुझे सबसे बेकार लगी। तो मेरे पास Realme का भी एक हेडफोन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देख रहे हो इसका ये जो ऊपर वाला नेक का पार्ट है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, ये हमारे नेक में बिल्कुल सही से रहता है, लेफ्ट को या फिर राइट को हेडफोन जो है नीचे ढलने नहीं देता है। तो इसके अंदर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। शायद इन लोगों ने यहाँ पर जो है इसका कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है पर
नेक में से नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज इसकी साउंड क्वालिटी। जब आप कोई मूवी वगैरह देखते हो उसके अंदर जो वोकल सुनाई देते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलते हैं। ट्रेबल की जहां तक बात करूंगा इसके अंदर ट्रेबल जो है मुझे थोड़ा सा कम लगा, बेस जो है काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है जैसे ही आप इसका डुअल इक्वलाइजर मोड ऑन कर देते हो। ओवरऑल साउंड के मामले में ये जो हेडफोन्स है 849 रुपीज में काफी ज्यादा दमदार लगे मुझे। तो दोस्तों इन हेडफोन्स के मेन जो पॉइंट्स है मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। इसके अंदर जो है 12mm के ड्राइवर्स देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, काफी ज्यादा अच्छी रेंज है इसकी, तकरीबन 15 मीटर्स तक रेंज देखने को मिल जाती है हमें। IPX5 स्वेट प्रूफ है, डुअल इक्वलाइजर मोड देखने को मिलता है, 120mAh की बैटरी है। बैटरी के मामले में ये जो हेडफोन्स है थोड़े से कमजोर लगे मुझे, सिर्फ 7 आवर्स का आपको प्लेबैक देखने को मिलता है। अभी जो नॉर्मल मार्केट में जो ईयरफोन्स आ रहे हैं 1500 रुपीज के प्राइस रेंज के बीच में, उनके अंदर हमें तकरीबन 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो इसका चार्जिंग टाइम जो है तकरीबन 1.5 घंटा है। तो इन हेडफोन्स के अंदर दो कॉन्स देखने को मिले मुझे, पहली है इसकी बैटरी थोड़ी सी कमजोर लगी, सिर्फ 7 आवर्स का बैकअप देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये नेक वाला पार्ट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप जैसे ही नेक में डालते हो ये फिसलना चालू हो जाता है आपके नेक में से। तो ओवरऑल साउंड के मामले में ये जो हेडफोन्स है काफी ज्यादा दमदार है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो ये था गाइस मेरा रिव्यू, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना, अगर आप चटपट गैजेट्स टीवी पर नए हो तो चटपट गैजेट्स टीवी को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।